दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही दुखद समाचार सुना, और आप लोग सभी जानते ही होंगे सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत ही विनम्र दिल से, तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक्चुअली काफ़ी मंझे हुए एक्टर थे, टीवी कलाकार थे, बालिका वधू में उनका काफ़ी अच्छा रोल रहा, और बिग बॉस में भी उन्होंने पिछले 2 साल पहले एक शो जीता था। गाइज, एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद छोटा सा सिर्फ यही है कि पता नहीं टीवी पे और कई जगह पे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, वो लोग गलत करते हैं। ऐसा ऐसा दिखाया जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि भाई सप्लीमेंट लेते हैं, बॉडी बनाते हैं, एक्स्ट्रा वेट अपने पे उठाने की कोशिश करते हैं, गाइज एक चीज़, छोटी सी चीज़ सोचो, इस वजह से तो, इस तरीके से तो सारे बॉडी बिल्डर्स मर जाने चाहिए थे। कितने लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, पुराने ज़माने में भी कितने लोग करते थे, और कितने वो होते हैं, मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, कितना हैवी हैवी वेट उठाते हैं, आप लोगों को पता भी है। उसके बाद वो डाइट भी लेते होंगे। तो इंसान खाना पीना ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, अपना सेहत का ध्यान रख रहा है, उसको इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो कि उस चीज़ की वजह से उनको डेथ, मतलब हार्ट अटैक आया है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, ये मिसकंसेप्शन है, इस चीज़ को मत फैलाओ। गाइज ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि ये कभी मत सोचना कि इस वजह से ऐसा हुआ है या इस वजह से ऐसा हुआ है। उनके ये दुर्घटना होने का उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, मेडिकल रीज़न हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, वो मेडिकल जो डॉक्टर लोग हैं वो बताएंगे। आप लोग अपनी तरफ से कंसेप्शन नहीं बनाइए कि ये जिम जाता था, ये एस्टेरॉयड लेता था, ये सप्लीमेंट्स लेता था, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में ना गलत धारणा मत रखिए, ठीक है? और अपने सेहत का ध्यान रखना कोई गलत काम नहीं है। जितना अपने सेहत का ध्यान रखोगे, उतना आप बेटर लाइफस्टाइल जी पाओगे।